उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। साथ ही उन पर खनन प्रेमी होने का भी आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर असंगठित कामगार के प्रदेश अध्यक्ष एवं रुद्रपुर विधानसभा के दावेदार सीपी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता अटरिया मोड़ पर एकत्रित होकर भाजपा की प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पुतला दहन करने के दौरान कहा गया कि उत्तराखंड सरकार के संरक्षण में अवैध खनन जमकर हो रहा है, जिस कारण राजस्व को बहुत क्षति पहुंच रही है। यह भी आरोप लगाया गया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खनन प्रेमी है, जो किसी से छिपा नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस का दावा सिर्फ हवा हवाई है। खनन के नाम पर जमकर लूट खसोट चालू है। जनता भाजपा के कुशासन से तंग हो चुकी है और खनन प्रेमी सीएम धामी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। पुतला दहन करने के दौरान अब्दुल, राजेश यादव, अशोक कुमार, रमेश बोरा समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।